उसको रेल रहे पेल रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। आखिर में क्यों, आखिर में क्यों, जो मनीष कश्यप को टारगेट बनाएगी हाँ। उसको हम पूरा रेलते रहेंगे, नहीं तो अभी से सुधर जाओ, जो भी वीडियो देख रही है ना वो सुधर जाए। एकदम सौरी बोलना चाहिए उसको, एकदम सौरी बोलेगी तो बोलेगी, हम बोलवा करेंगे, इसके लिए हमको जेल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए एकदम बोलवाएंगे उससे, मानेंगे नहीं अब जी। हाँ नहीं मानेंगे अब, मतलब कि जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए उसी तरह, हाँ उसी तरह बोलना चाहिए मीडिया के सामने, पूरा मीडिया वाले से माफी मांगेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरा हम देखना चाहते हैं, तब जाके उसको बक्सेंगे, नहीं तो नहीं बक्सेंगे। एक बाप के बेटी है तो सामना कर रहे मंजीव परदेशी, आए थे खेत देखने, हम अपने आए थे खेत देखने आए हैं हाँ। चश्मा पहन के कौन आदमी आता है खेत में भाई, महाराज मेरा चश्मा जूता पहन के खेत में काम कीजिएगा। देखिए चश्मा जूता है ना हाँ। अभी हम हाइलाइटेड हो रहे हैं, पूजा पांडे और पूजा सिंह को इतना ना रेले हैं कि पूरा हाइलाइटेड चल रहे हैं मार्केट में, स्टार बन गए हैं, स्टार बन रहे तभी ना पहन के घूम रहे हैं, देख नहीं रहे, स्टार साहब बन गए हैं, पूरा स्टार है। देख लीजिए चश्मा पहन के जूता पहन के भाई हमारा सिंगर खेत में आया है काम करने के लिए, काम देखिए काम कैसे छोड़ देंगे, हम गरीब करते हैं काम भी करते हैं। आप तो गए हुए थे पूजा सिंह के घर पे, हम उसके द्वार पर गए थे लेकिन घर हाँ। में से नहीं निकली, एक बाप के बेटी नहीं, वो भाग गई थी घर छोड़ के भाग गई, एकदम घर छोड़ के भाग गई, अगर एक बाप के बेटी रहती तो हाँ। निकल के जवाब देती, अभी माइक हम पकड़ के बोल रहे हैं, खुलिया बोल रहे हैं, माइक को छोड़िए ना महाराज, ना पूरा हम खुलिया बोल रहे हैं, सब वीडियो के सामने बोल रहे हैं ना, उसको रेल ले गए, अगर निकल जाती ना जवाब देती, भागी नहीं रहती तो उसको रेलते, अगर जवाब नहीं जब तक देती मनीष कश्यप से माफी नहीं मांगी उसको हम रेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंजीव परदेशी है, उसका खेत कहाँ है और इंसान कहाँ मिलेगा? मंजीव पर अपना खेत में काम कर रहा है, इधर कहाँ है वो, इधर ही होगा अपना काम कर रहा है खेत में, इधर काम कर रहा है हाँ। वो जो आदमी है वो है कि हाँ, कौन है? वही है मंजीव परदेशी, वो है हाँ, तो देख लीजिए मंजीव परदेशी खेत में काम कर रहा है, आइए उसको पकड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो लड़कियों को छिनार क्यों कह सकता है और मनीष कश्यप के ऊपर आपत्तिजनक बात क्यों कर रहा है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मंजीव परदेशी। मंजीव परदेशी तुम ही हो? हाँ हम ही हैं। अभी तुम्हारा गाना का वायरल हो रहा है कि पुजवा दोनों छिनार है हाँ। तुम लड़की को छिनार कैसे बोल सकते हो? हम छिनार थोड़ी ना बोले हैं। क्या बोले हो? तुम्हारा गाना छिनार बोले हैं। गाना है छिनार बोल रहे हो? नहीं नहीं गलत किया तब ना हम छिनार बोले हैं। वो काहे पत्रकार को मऊगा बोल रही है? पत्रकार को टारगेट दोनों काहे बने, तो मऊगा बोलवे करेंगे। तो तुम किसी भी लड़की को छिनार बोल दोगे? तो छिनार बोलवे करेंगे, किसी को थोड़ी ना बोल रहे हैं हाँ। वो दोनों के लिए हम गाना गाए हैं, दोनों को ना बोले हैं जी। गाना गाए हो तुम और गाना उसको गाना कहते हो? तो गाना नहीं कहते हैं, वो गाना है। तो गाना गा के बताओ क्या है, तुम्हें खुद पता चले क्या बोले हो। गाना जो है तो देखिए हम पत्रकार को अगर कोई गलत बोलेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? गाने के पहले तुम गाओ, पता चलेगा तुम क्या कह रहा है। देखिए गाना मेरा ऐसा है, ना लज आगे बा ना लज पिछाड़ी, दोनों रे पूजवा बड़ी सो खिलाड़ी, ना लज आगे बा ना लज पिछाड़ी, दोनों रे पूजवा बड़ी सो खिलाड़ी, सुनी के बताओ जाता अन्हार, सुनी के बताओ जाता अन्हार, भाई सब पत्रकार देवेला रेडी भी या पूजा सिंह यार, भाई सब पत्रकार देवेला रेडी भी या पूजा पांडे यार, यही मेरा सवाल है। ये आप इसमें कह रहे हैं कि पूजा पांडे जो है और पूजा सिंह जो है ये छिनार है हाँ। ये छिनार शब्द जो है गलत है कि नहीं? कहीं ना कहीं छिनार छिनार है तो छिनार है तो छिनार बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आप अपने गाना में पूजा सिंह को जो छिनार कह रहे हैं एकदम, ऐसे किसी भी लड़की को छिनार बोल दीजिएगा, एकदम एकदम कहेंगे, ऐसे बोल दीजिएगा, एकदम बोलेंगे, ये लड़की को छिनार कह रहे हैं। तो छिनार है तो छिनार बोलेगा, ये मनीष कश्यप के सपोर्ट किया है ना, ये मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहा है हाँ, सपोर्ट किसी लड़की को छिनार बोल रहा है, सपोर्ट कर रहा है मनीष कश्यप के ऊपर, कोई गाना खराब गाएगा तो उसको ऊपर ये सपोर्ट किया है ना, दोनों आदमी गाना खराब गाई है लो जी। क्या गाना गाई है लो? वही छिनार वाला क्या मऊगा एक एक, एक पर क्या बोलते हैं, छिनार नहीं कौन है, ये मेरे भैया हैं, साथ में हम लोग आए थे हाँ। खेत देखने, हम अपने आए थे खेत देखने आए हैं हाँ। चश्मा पहन के कौन आदमी आता है खेत में भाई? महाराज मेरा चश्मा जूता पहन के खेत में काम कीजिएगा। देखिए चश्मा जूता है ना हाँ। अभी हम हाइलाइटेड हो रहे हैं, पूजा पांडे और पूजा सिंह को इतना ना रेले हैं कि पूरा हाइलाइटेड चल रहे मार्केट में, स्टार बन गए हैं, स्टार बन रहे तभी ना पहन के घूम रहे हैं, देख नहीं रहे, स्टार साहब बन गए हैं, पूरा स्टार है। देख लीजिए चश्मा पहन के जूता पहन के भाई हमारा सिंगर खेत में आया काम करने के लिए, काम देखिए काम कैसे छोड़ देंगे, हम गरीब करते हैं काम भी करते हैं। देखिए मनीष कश्यप को मौका बोली है हाँ। वो जानती नहीं, उसका औकात नहीं है कि मनीष कश्यप को क्या बोल रही है। मनीष कश्यप का अगल बगल कम से कम इतना लोग रहते हैं ना, मनीष कश्यप गरीब को सपोर्ट करते हैं, हम उनको दिल में बसाते हैं, ठीक है ना? अगर कोई बसाते हनुमान जी का चीर दीजिएगा, हनुमान जी रहते तो पूरा सीना चीर कर दिखा देते, हनुमान जी रहते तो सीना चीर के दिखा देते, चीर कर दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन अभी हनुमान जी नहीं आता, हम क्या करें, मजबूर हैं हम भी। अभी जो है मनीष कश्यप के ऊपर पूजा सिंह जो गाना गाई है, आपको क्या लग रहा है कि सही किए कि गलत किए? वो एकदम गलत किए है, वो तो एकदम क्या बोलते हैं ना, बेकार घर की है, अब एकदम रंडी छियत्री है पूरा, हम बोल रहे हैं जी
हाँ। लेकिन वो तो सीधा पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि जो मौका होगा वो इंटरव्यू लेगा। मौका तो इसीलिए ना, देखिए मौका कह दी ना, वो हाँ। मौका बोलिए ना हाँ। तो हम तो उसको खाली छिनार बोले हैं। वो मेरे पास आके देखे कि मर्द मौका में क्या अंतर होता है। कभी उसके पास हम लोग नहीं गए हैं ना, तो अभी पूरा हम लोग का बायोडाटा निकाल ले रही है। पत्रकार को जिस दिन पाला पड़ जाएगी ना, वो तो पता लग जाता। पत्रकार को बातें हटाइए, जिस दिन परदेसी से पाला उसका पड़ेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि क्या होता है मर्द। एक चीज बताइए, अभी जो आपने गाना गाया है ये वायरल चल रहा है ठीक, और उसके बाद विरोध भी काफी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विरोध हो रहा है तो ठीक है, विरोध हो रहा तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। विरोध कौन करेगा? जो मैंने दोगला होगा ना, जो लिपस्टिक पे जाता है ना पूजा सिंह के, वही विरोध मेरा करेगा। देखिए इससे पहले हम बहुत अच्छा गाना मनीष कश्यप ऊपर गाए थे, भैया के ऊपर। मनीष कश्यप के ऊपर पहले गाने गाए हुए थे, 5 महीना पहले वो गाना गाए थे, जो कि अभी कौन सा गाना बताइए बताइए। देखिए हाँ हाँ बिहार के, हाँ हाँ बिहार के, पूरा बिहार के सन मनीष भैया, सब कर करे ले भलैया, घूमी घूमी के सचक देखावे ले रउआ सब जानी बनिनी रे दैया, पूरा बिहार के, हाँ हाँ बिहार के, पूरा बिहार के सन मनीष भैया, सब कर करे ले भलैया। देख कितना अच्छा सॉन्ग था, ये बहुत अच्छा गाना है। ये हमारे साथ मंजीव परदेसी है, जो मनीष कश्यप के गांव के हैं, उनके आसपास के गांव के हैं। और अभी जो है खेत में जो है मैं आया था, पूछते पूछते इनके घर गया था, पता चला कि खेत में थे, तो मैं पता करके अब खेत में आया हूं और यहां आया हूं, तो जूता और जो है चश्मा लगा के ये खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लड़कियां मनीष कश्यप के खिलाफ गाली दे रही है, उनको मौका वगैरह बोल रही है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको रेल रहे हैं, पेल रहे हैं डायरेक्ट। आखिर में क्यों जो मनीष कश्यप को टारगेट बनाएगी हाँ। उसको हम पूरा रेलते रहेंगे, नहीं तो अभी से सुधर जाओ, जो भी वीडियो देख रही है ना वो सुधर जाए जी। नहीं तो हम वो लड़की आपके ऊपर केस कर दे कि आप उसको छिनार बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको जेल भी जाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप को हम कोई बुरा बोलेगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम जी। क्या कर लीजिएगा उनका, क्या पूजा पांडे का, पूजा सिंह का क्या कर लीजिएगा? पूजा सिंह, पूजा पांडे जिस दिन हमारे सामने आ जाएगी ना, उसको तो हम खोज रहे, गए गाँव में भी गए थे, आज भी गए थे, लेकिन वो नहीं बैठा रही है। उसी के बाद आके अपना खेत में काम कर रहे हैं, बैठा रही है। तो गए हुए थे पूजा सिंह के घर पे, हम उसके द्वार पर गए थे, लेकिन घर में से नहीं निकली, एक बाप के बेटी नहीं, वो भाग गई थी घर छोड़ के भाग गई। अगर एक बाप के बेटी रहती तो निकल के जवाब देती, अभी माइक हम पकड़ के बोल रहे, खुलिया में बोल रहे हैं, माइक को छोड़िए ना महाराज, ना पूरा हम खुलिया में बोल रहे हैं, सब वीडियो के सामने बोल रहे हैं ना, उसको रेल ले गए, अगर निकल जाती ना जवाब देती, भागी नहीं रहती तो उसको रेलते, अगर जवाब नहीं जब तक दे दिया, मनीष कश्यप से माफी नहीं मांगी, उसको हम रेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनीष का सबसे जब तक माफी नहीं मानेंगे आप नहीं छोड़िएगा, नहीं छोड़ेंगे, उसको रेलते रहेंगे, अब नहीं बर्दाश्त होगा हमसे, अब पूरा मुंड में हम घूम गए हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर अगर उसने आपत्तिजनक अभद्र बात किया है हाँ। तो मीडिया में आके सॉरी बोले, एकदम सॉरी बोलना चाहिए उसको, एकदम सॉरी बोलेगी तब बोलेगी, हम बोलवा करेंगे, इसके लिए हमको जेल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम बोलवाएंगे उससे, मानेंगे नहीं अब जी हाँ, नहीं मानेंगे अब। मतलब कि जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली उसी तरह हाँ, उसी तरह बोलना चाहिए मीडिया के सामने, पूरा मीडिया वाले से माफी मांगेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरा हम देखना चाहते हैं, तब जाके उसको बख्शेंगे, नहीं तो नहीं बख्शेंगे। एक बाप बेटी है तो सामना कर रहे मंजीव परदेसी से जी हाँ। अब आप देख लीजिए, मनीष भैया के काफी बड़े फैन है, और उनको गाली देने वाली लड़की जो पूजा सिंह है, उसके लिए जो है ये लड़ रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं कि जब तक जो है पूजा सिंह माफी नहीं मांगेगी, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भड़ुआ और मोगा बोला है, अगर उस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके सॉरी मनीष कश्यप से नहीं बोलेगी, तब तक आप रेलते रहेंगे। और मेरे टारगेट से दूसरा कोई और कजली है, सुन तुमको खुलियाम बोल गया, काजल राजा बोलिए भैया के सर, सुन हम तोर भातार बनेंगे, खुलियाम बोल, ये कौन है? वो गाना गाई है मनीष कश्यप के, भैया के बन जामरा, भैया के सर वो भी गाई है, उसको भी रेलेंगे, माधर चोद जात को हम उसको भी रेलेंगे। क्या गाना गाई है वो? गाई है ना कि कहत पंडित जी के, सब हम बोल नहीं सकते ना, मेरे भाई है ना, बर्दाश्त नहीं होता दिल में। उनको क्या बोली है, क्या बोली है? उनको बोली है सुना पत्रकार मनीष कश्यप बन जामरा भैया के सर, ऐसे कोई मतलब वो अपने भाई के सर बना रही है हाँ, उसको तो हम खुला रेलेंगे, काजल को भी रेलेंगे, बहुत जल्द उसको भी रेलने वाले हैं जी। भोजपुरी इंडस्ट्री और पत्रकार को जो इज्जत नहीं करेगा उसको लगातार हम रेलेंगे। ये आखिर में कौन सा सिंगर है, कौन सा ये सुर और ताल सीखते हैं, कौन सा सिंगिंग का ज्ञान ये लोग सीखते हैं, अभद्र जो है गाने गाते हैं? उन लोग तो दो नंबर आदमी है, सब खुलियाम बोल रहे हैं ना, उस सबको ना गाने का लुर है ना, उस सबको स्केल का पता है, कुछ भी जा रही है गा रही है, जा रही है स्टूडियो वाला से चिपका चिपकी कर रही है गा रही है, क्या कीजिएगा। हम लोग हैं तो देखिए, हम लोग अच्छा भी गाना गाते हैं, तो कोई हम लोग का
सपोर्ट नहीं करता। मनीष भैया जो है इन ऐसे कलाकारों के ऊपर जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या कहना हम उनसे पहले भी पिछले भी वीडियो में बोले थे कि मनीष भैया आप एक्शन लीजिए, कोई अगर आपको गलत बोल रहा है ना तो डायरेक्ट एक्शन लीजिए, जो होगा हम देख लेंगे, आपसे नहीं होता है तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। समझ लीजिए मनीष भैया के बहुत बड़े फैन है जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में गाना गा रहा है और जो मनीष कश्यप के विरोध में बोल रहे हैं, अभद्र भाषा जो है बोल रही है उसकी जो है ये बढ़िया से रिलाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये सही काम कर रहे हैं। और बाकी सारे लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार जो है इनको सपोर्ट कीजिए और मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। भैया मनीष कश्यप को जानते हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल। अगर ये कहिए कि मनीष कश्यप को कोई भी लड़की या कोई भी कहे कि मौगा है, भड़ुआ है, कहाँ तक सही है ये? तो बहुत गलत है जी। हाँ, वो हमारे एरिया के, हमारे पंचायत के, हमारे वार्ड के आदमी है जी, हम लोग अच्छी तरह से उनको। मनीष कश्यप को गाने में कहा जा रहा है और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब कि यूँ समझिए कि कल की आई हुई लड़की कर रही है कि मनीष कश्यप मऊगा है, नहीं ये तो बहुत गलत बात है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की गलत बात जो है, गलत शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए ना। हम बोले ना इसीलिए ना उसको, दोनों को विरोध हम किए हैं जी, लेकिन हमको लोग गलत बोल रहे हैं तो हम गलत नहीं ना है, सब पब्लिक से पूछ लीजिए जी, हम गलत की है तब उसका रिलाई हम किए हैं। अभी भी बोल रहे हैं मनीष कश्यप भैया को जो हाथ उठाएगा ना उससे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सही बात है। अब आप समझ सकते हैं भाई, ये मनीष कश्यप के गांव के ही है और खुद ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप जितने भी दर्शक बंधु हमें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि पूजा सिंह जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रही है वो कहाँ तक सही है, क्या मनीष कश्यप को उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मनीष भैया आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से आपके नाम को उछाला जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई जरूर कीजिए। छूट जिस प्रकार से आप दे रहे हैं इस तरह और भी लोग आपके विरोध में खड़ा होंगे, तो आपसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर कीजिए ताकि इन लोगों का जो है दिमाग ठिकाने लग सके और ये लोग सुधर सके। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।